नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट नंबर्स, यानी कि दो अंकों की संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकालेंगे और जल्दी से कैसे निकालेंगे, तो ये हम देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोग यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, वो है एक फॉर्मूला जो आप सभी जानते हैं, एक सूत्र है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर होता है, यहाँ पर लिखा जाता है बी स्क्वायर, और बीच में लिखा जाता है 2AB। तो ये आप लोगों ने 8वीं 9वीं कक्षा में ज़रूर पढ़ा होगा एलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इस किसी भी दो डिजिट संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए, दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें ए कौन है और बी कौन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए है 2 और बी है 6, यानी कि आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, और जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिख देना है। तो लिख दीजिए, तो हमेशा ध्यान रखिए दो डिजिट की संख्या है, यानी कि दो अंकों की संख्या है, तो आप दो डिजिट लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, है ना। इसके बाद 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, तो वो लिख देंगे यहाँ पर, और एक छोड़ के, और यहाँ से भी एक छोड़ के ये लिखेंगे 2AB। तो इसका 2AB क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 6, यानी कि 4 गुना 6, यानी कि 24। तो 24 को यहाँ पर लिख देंगे और बस इसको ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 6 4 3 7, 4 2 6 और ये 0, यानी कि 26 का स्क्वायर आप चेक कर सकते हो, ये होता है 676। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए और एग्जांपल से देखते हैं इसको कैसे हम जल्दी से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको निकालना है, मान लीजिए 17 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो अगर तो याद है चलो बहुत बढ़िया, नहीं है तो देख लीजिए कैसे करेंगे। तो पहले 1 को देखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 0 1, जैसा मैंने कहा हमेशा दो संख्याओं में लिखेंगे। फिर 7 का स्क्वायर जो कि बी है, ये बी है और ये ए है, तो ये हो गया आपका 49। ये क्या हो गया, 7 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग। इसके बाद यहाँ एक छोड़ेंगे, यहाँ एक छोड़ेंगे और 2AB निकालेंगे। तो 2A कितना है, 1, B कितना है, 7, यानी कि ये कितना हो गया, 14। तो 14 को आप यहाँ पर उठाकर लिख दीजिए, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 8 और ये हो गया 2, ये हो गया 0, यानी कि ये हो गया आपका 17 का स्क्वायर। तो ये है आपका फॉर्मूला और इसको आपको इस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए और क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 37, तो 37 में सबसे पहले देखेंगे कि ए कौन है और बी कौन है। तो ए है 3 और बी है 7। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और अगर ये 9 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। इसके बाद दिखेंगे 2AB, आप जानते ही हैं, तो 2AB के लिए अलग से कर लीजिए 2AB, यानी कि 2, और ये आप मेंटली कर सकते हो, 2 × 3 × 7 यानी कि 6 × 7 = 42। तो 42 को लिखेंगे इधर से एक छोड़ के और इधर से एक छोड़ के, तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और 4 13, एक कैरी यानी कि ये। तो अगर आप चेक करेंगे तो 37 का वर्ग यही आएगा आपका 1300, आपका 69, 1369, 69, 69, 1369। तो और क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। तो 72, 72 यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले देखेंगे ए कौन है 7, बी कौन है 2। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर लिखेंगे, ये हो गया 49, 7 का स्क्वायर। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 04, तो लिख देंगे 04, क्योंकि दो डिजिट में लिखना है, हमेशा ध्यान रखिए दो ही डिजिट में लिखना है, चाहे आपका आंसर सिंगल ही क्यों ना आ जाए, आपने लिखना हमेशा दो डिजिट में है। इसके बाद देखिए अब आपको चाहिए 2AB, तो ए कितना है 7, ये कितना है 2, तो 14 × 2 = 28, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 28, इसको ऐड कर देंगे तो ये होगा 8, ये हो गया 11, 3 4 और 1 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5184, है ना। 2 × 7 = 14, 2×9 = 28, 28 आपने ऐड कर दिया, ये आपका आंसर। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। तो 96 का स्क्वायर, तो 96, ए हो गया 9, बी हो गया 6, तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81,
फिर 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब हमें चाहिए 2AB, तो 2 × 9 × 6, तो 9 6 = 54, 2 = 108। अब आपने 108 इस तरफ से लिखना है ना, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे 8, 0 और 1, इसको ऐड कर देंगे। अगर एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप इसको मिटा दीजिए, ये एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, बस अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो 8 3 11 2, तो ये हो जाएगा आपका 9216, और ये आप जानते ही होंगे 9216 आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है 96 का। हालांकि इसको आप और भी तरीके से चेक कर सकते हो, जैसे कि 96 को 96, इधर 4 100 से कम है, ये भी 100 से कम है, तो ये हो गया 96 में से 4, ये 4 चौका 16, और 96 में से 4 गया 92, तो इस तरीके से भी, पर ये हम किसी और वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई 2AB वाली, तो यही है इसका बेस्ट यूज़। आप इस फॉर्मूले से किसी भी डिजिट का वर्ग आप निकाल सकते हो, लेकिन शर्त है कि वो 2 डिजिट का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया, थैंक यू सो मच।